अगर आप दिन रात मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और पैसे है कि टिकने का नाम ही नहीं लेते, तो हम आपको ऐसे 5 उपाय बताने वाले हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगर आपका नोटों से भरा पर्स महीने के अंत में आते आते हमेशा खाली हो जाता है, तो अपना ये 5 उपाय, जी हाँ ये उपाय पर्स से जुड़े हैं, जिससे हम शास्त्रीय उपाय कहते हैं। इसके अनुसार आपको अपने पर्स या वॉलेट में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपको धन की कभी कमी ना हो। आइए जाने इसके बारे में। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की तस्वीर। यह सब जानते हैं कि पैसों से जुड़ी हर दिक्कत को माँ लक्ष्मी दूर करती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर को पर्स में ऐसी जगह रखें जिससे वह कभी गायब या गिरे नहीं। माँ लक्ष्मी की मुद्रा बैठी हुई होनी चाहिए। पीपल के पत्ते। हिंदुओं के लिए पीपल का पेड़ बड़ा ही पूजनीय होता है। एक ताज़ा पीपल का पत्ता लेकर उसको गंगा जल से धो ले, फिर इस पर केसर से श्री लिखे और पर्स में रखे। इस पत्ते को नियमित बदलते रहे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चावल के दाने। पर्स में 21 दाने चावल के किसी पुड़िया में रखे, इससे धन का अनचाह खर्च कम होता है। लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए चावल पर्स में डालें। बड़े बुजुर्गों से मिले पैसे रखें। यदि आपको माता पिता या किसी बुजुर्ग से पैसे मिले हैं, तो उसे आशीर्वाद समझकर पर्स में रख लें और कभी खर्च ना करें। इससे धन हमेशा आपके पास रुकेगी और बेकार का खर्च नहीं होगा। चांदी का सिक्का। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है, तो उसे पर्स में रखें, लेकिन इसे पर्स में रखने से पहले कुछ देर माँ लक्ष्मी की चरणों में रखें और फिर इसे पर्स में डालें। आपको ज़रूर लाभ मिलेगा।